माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त किसानों के खातों तक पहुंचाने की कृपया करें। निश्चित तौर से हमने देखा कि कैसे पारदर्शी व्यवस्था से डिजिटल भारत डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के अन्नदाताओं के खातों में सीधे 21,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के हाथों से ट्रांसफर हुए हैं और लाभ पाने वाले किसानों की जो संख्या है वो 10 करोड़ है। और अपने आप में अगर आज तक की बात की जाए, अगर इस किस्त को 11वीं किस्त को मिला दिया जाए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने का काम करने वाले, देश की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पाकर भारत का हर एक नागरिक गर्व महसूस करता है। अब हम बेहद विनम्रता के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो कृपया आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्रीमान राजेंद्र जी, यहां के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे पुराने साथी श्रीमान सुरेश जी, केंद्र के मंत्रिपरिषद के मेरे साथियों, सांसदगण, विधायकगण, हिमाचल के सभी जनप्रतिनिधिगण, आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है और उस विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम शिमला में है लेकिन एक प्रकार से ये कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारे यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए।
तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष की निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हां कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्मभूमि रही, मेरे लिए जो देवभूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है, ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है, लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं, आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं काम करता रहता हूं और आगे भी। एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। और जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो आज मैं फिर से मैं इस देवभूमि से मेरा संकल्प भी दोहराऊंगा, क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, संकल्प कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा, जिस संकल्प के लिए जीऊंगा,
जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छुटपुट रहने वाले का दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूँ उसको करता रहूँ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।